हेलो स्टूडेंट्स आर यू दिस इज एन के सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल स्टडी सिंह वेयर वी टेक केयर ऑफ योर स्टडीज सो आज हम लेक्चर नंबर फोर्टीन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू क्लास ट्वेल्व फिजिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैप्सिटेंस सो so, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज़ वेरी ब्रीफ वन बट वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन राइट फ्रिक्वेंटली आस्क डिवेशन इट इज एंड ऑफकोर्स

राइट नाउ वॉट वी आर डूइंग डिफरेंट इज दैट कि वॉट हैपन अगर ये जो स्पेस है इसमें हम कोई एक डायलैक्ट्रिक मटीरियल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें वो यहाँ पर रख दें तो जो पैल प्लेट कैप्स्टर है उसका कैप्स्टेंस बढ़ेगा घटेगा वो ही रहेगा दैट मीन्स वॉट इज द इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक इफ वी इंट्रोड्यूस इट बिटवीन द प्लेट्स वी हैव टू डिस्कस दैट एंड वी हैव टू एनालाइज दैट सो we will विल डिस्कस एंड वी विल ड्राइव एन एक्सप्रेशन एंड first we will see के ये जो free space है ये जो space है in plates के बीच में ठीक है इसको आप कंप्लीटली फिल्ड नहीं कर रहे हैं विद डायलैक्ट्रिक आपने इसको पार्शली फिल्ड किया है देन वॉट विल बी दैप्स एंड वी विल सी कि अगर इसको आप फुल्ली फिल्ड कर देते बाय दे will देन so विल हैव टू एनालाइज इट वेरी इंटरेस्टिंग राइट सो आई होप सो कि इस सीरीज के, के जितने भी लेक्चर हैं उनसे आप गो थ्रू हो गए होंगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो लेट स्टार्ट द टूडे लेक्चर सो बच्चो चलिए अब हम uh, ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की जो प्लेट है उनके जो बीच का जो स्पेस है उसमें एयर ना रखकर हमने कोई एक पर्टिकुलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल एक पर्टिकुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है उस स्पेस में हमने इंट्रोड्यूस कर दी है सो ड्यू टू दैट जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैप्स्टर का वो किस तरह से अफेक्ट होगा राइट सो वी हैव टू एनालाइज इट सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड जस्ट हैव अ लुक ऑफ द पिक्चर दैट इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन सबसे पहले इस फिगर को हम जो है एक्सप्लेन कर दें सो अगेन वी हैव टू प्लेट्स पी वन एंड पी टू पी वन इज हैव द्लस सिग्मा सर्फे स्टार डेंसिटी दैट मीन्स इट इज ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड द पी टू इज हैव इट्स इट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड इट्स सर्फे स्टार डेंसिटी इज माइनस सिग्मा राइट ये दोनों ही जो प्लेट हैं इनका एरिया जो है हमने कैपिटल ए कंसिडर कर लिया है राइट right? और इन दोनों प्लेट्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल डी यस बाय स्मॉल डी व्हाट वी मीन बाय स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स राइट अब इस कैपेसिटर के ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये जो डी डिस्टेंस है इट इज एन एम्प्टी स्पेस वी आर इनिशियली कंसडरिंग दैट इन दोनों प्लेट के बीच में एयर थी राइट right? अब हमने क्या किया है इसमें एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब जो है वो यहां पर रख दी राइट right? और उसकी जो विड्थ है वो हमने ली है स्मॉल टी तो बच्चों उसका मतलब क्या हुआ कि जो सेपरेशन है इन दोनों प्लेट के बीच का वो था स्मॉल डी उसमें से जो टी सेपरेशन है स्मॉल टी सेपरेशन है ये फिल कर लिया गया है बाय द डायलेक्ट्रिक स्लैब राइट सो इनिशियली इनिशियली इफ यू थिंक अबाउट दैट कि यहां पर स्लैब नहीं थी तो तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो है ई नॉट उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ई नॉट से राइट right? अब हमें पता है कि अगर आप डायलेक्ट्रिक रखेंगे इन चार्ज प्लेट्स के बीच में सो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ये जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी जिसको हम कह रहे हैं ई पी राइट सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलैक्ट्रिक इज नथिंग बट ई इज कल टू ई नॉट and minus of ep we know very well right so uh, this is all about this figure and right now the capacitance the capacitance capacitance of capacitor this parallel plate capacitor if ओनली एयर बिटवीन द प्लेट्स अगर प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो तब जो कैप्सटेंस हैल प्लेट कैप्सर का वो क्या होगा सो so, हमने ये फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था सो इट इज सी एप्सर नॉट ए बाई डी वी नो दैट राइट ओके नाउ देखिए अब हमने देख लिया है कि जो इसमें रिड्यूस फील्ड है दैट इज कैपिटल ई एंड ई नॉट इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई पी इज द पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड राइट सो राइट नाउ वट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट राइट सो द पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी बाय कैपिटल वी बिटवीन टू प्लेट्स बिटवीन टू प्लेट्स राइट सो देखिए स्टूडेंट्स हमें एक रिलेशनशिप पता है एंड इट इज़ ई इज़ कल टू वी बाई डी सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन दैट वी इज़ कल टू ई डी सो हम ये रिलेशनशिप जो है ये यूज़ करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज देखिए यहाँ पर अब दो चीजें हैं कि ये जो डायलैक्ट्रिक स्लैब है इसकी जो विड्थ है हमने डी नहीं ली है ये कुछ पार्शल है मतलब ये जो इनके बीच का जो स्पेस है ये पार्शली फिल्ड है ये फुल्ली फिल्ड नहीं है और आ, इसकी जो विड्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टी है तो पोटेंशियल डिफरेंस वॉट इज इन द फ्री स्पेस इन द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड in the dielectric right we have to add up these two potential differences so agar hum free space ki baat kare then we have to use e not kyunki free space mein jo electric field hai wo e not hai और अब ये वाला space, ये वाला space हमारे पास कितना बचता है अगर इस space को हम देखें तो हमें d में से ये t minus करना पड़ेगा so, d minus t, right? And ये जो डायलेक्ट्रिक है इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका इट इज इसके अंदर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे अब ईपी e की बात नहीं करेंगे राइट वी हैव टू टॉक अबाउट द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डायलेक्ट्रिक तो इट इज टी और हमने क्या लिखा ई टी राइट सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन नाउ आई नो अ रिलेशनशिप ऑफ डायलैक्टर कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ के के इज कल टू ई नॉट बाई ई देखिए ये रिलेशनशिप हम कितनी बार यूज कर रहे हैं और आई हैव टोल्ड यू इनिशली वैन वी आर डूइंग दिस डिशन दैट दीज स्मॉल स्मॉल डेरीवेशन हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज रिलेशनशिप्स राइट सो फ्रॉम हेयर uh, what I can write down that E is equal to E naught by k और जो मेरे पास relationship है it is V is equal to E naught d minus t plus E t तो यहाँ पर E की value हम replace कर देंगे so I have V is equal to E naught and d minus t and plus E t so E t की जगह हमने लिखा E naught बाई के एंड इंटू टी सो दिस इज माई रिलेशनशिप राइट नाउ दैट आई हैव और यहां से चलिए हम ई नॉट जो है कॉमन ले लेते हैं सो आई हैव लेफ्ट विद डी माइनस टी प्लस टी बाई के राइट ओके नाउ वी ऑल्सो नो दैट

सिग्मा इज क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी राइट अब इस रिलेशनशिप को हमें इस वाली इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर देना है सो लेटर से दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू सो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट दिस रिलेशन इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू में से सबूट कर देते हैं हम सो वी हैवी इजकल टू ई नॉट की जगह हमने रखना है क्यू एफ नॉट ए एंड डी माइनस टी प्लस टी बाई के राइट सो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री वी हैव कम अक्रॉस टू द इक्वेशन नंबर 3 Right, but it is only the potential difference. Are we interested in this term? Yes, uh, we are quite interesting to find out the potential difference between these two plate. But our ultimate aim is to find out the capacitance of the parallel plate capacitor in this modified situation. So uh, now, now.

राइट एंड वॉट आई हैव चलिए हम रख ही लेते हैं राइट सो दिस इज़ क्यू सो दैट यू हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन सो क्यू अपॉन एफ सार नाट ए एंड डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई के राइट सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पर हमें मिलेगा एफ सार नाट ए And divided by d minus t plus t by. Okay, hum So we have reached this relationship. So uh, this relationship uh, can itself use as a formula to find out the capacitance of uh, a partially filled uh, parallel plate capacitor with a dielectric slab. Uh, but हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे राइट सो दैट इट विल कम इन द सिपलेस्ट फॉर्म एंड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड अदर रिजल्ट्स टू राइट सो देखिए इसमें हमने क्या किया है व्हाट आई हैव डन व्हाट आई हैव डन हियर इज दिस इज एबसार नॉट ए एंड वॉट आई हैव डन दैट आई हैव टेकन डी इज कॉमन फ्रॉम दिस स्टम सो so, हमने स्मॉल डी जो है कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में तो बचेगा वन माइनस टी बाई डी राइट वन माइनस टी बाई डी वन माइनस टी बाई डी यहाँ पर तो ये बचेगा राइट right? और प्लस प्लस वट आई हैव डन दैट हेयर टी डी के ये टर्म हमारे पास बचेगी राइट right? अच्छा अब ऐसे हमने क्यों किया अब देखिए यहां पर एक ये टर्म बन गई है ये ये पूरी की पूरी एक टर्म बन गई है हमारे पास ठीक है सो so, अब आप इसको देख के पहचान गए होंगे कि दिस इज वॉट दिस इज नथिंग बट सी नॉट दिस होल टर्म इज नथिंग बट सी नॉट राइट सो वी कैन राइट डाउन दिस दैट सी इज कल टू सी नॉट एंड Divide by one minus t by d, or plus t by d k. T by d k, right? Okay. What else we can do here uh, to make this formula more uh, convenient to remember and? Uh, for that, what we are going to do, we are going to take and uh, common again from this term, and right now uh, I can represent this particular formula like this. So this is 1, right? Or iswali term or iswali term say ham minus t by d jo common lilia hai. राइट right, ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आएगा वन और यहाँ पर आएगा माइनस वन बाई के लाइक दिस सो दिस इज अ शॉर्ट ऑफ फार्मूला दैट यू कैन रिमेंबर इजली एंड अगेन इट डिपेंड अपॉन्स यू ठीक है वेदर यू आर फील कन्वीनियंट टू रिमेंबर दिस फार्मूला और दिस फॉर्म वाला सो बूथ आर द सेम थिंग सो आई एम टेकिंग बूथ ऑफ दिज फॉर्म्स इन ब्रैकेट और इन स्क्वायर सो दैट दिज रिलेशनशिप्स बिकम हैंडी फॉर यू वैन यू रिवाइज योर कोर्स राइट और ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है ये हमें न्यूमरिकल्स में भी हेल्प करेगा राइट right? और ये डेरिवेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन फ्रिक्वेंटली आस्क सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट डिस्कस्ड अ स्पेशल केस एंड अकॉर्डिंग टू दैट केस इफ टी इज कल टू डी तो ये uh, कौन सा पर्टिकुलर केस हो गया कि आपने जो कैप्स्टर के प्लेट्स के बीच का जो फ्री स्पेस है उसको फुल्ली कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक से फिल्ड अप कर दिया है इन दैट केस टी इज कल टू डी राइट सो अगर टी इज कल टू डी है देन सी इज कल टू सी नॉट और ड्राइव सी नॉट सी इज कल टू सी नॉट डिवाइड बाई टी इज कल टू आपको डी रख देना है तो यहाँ पर वन आ जाएगा एंड वॉट वी हैव वी हैव वन माइनस वन माइनस वन बाई के राइट सो वॉट वी हैव लेफ्ट विथ इट इज के सी नॉट दैट मीन्स सी इज कल टू के सी नॉट राइट अब देखिए ये रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है ऑब्वियसली देखिए ये चीज़ हमें यहाँ से भी क्लियर हो जाती है लेकिन इस फॉर्मूले से तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरल प्लेट कैप्सटर इन दैट केस कैप्सटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ये जो के है डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट फॉर अ डायलैक्ट्रिक की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होगी सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट सी इज ग्रेटर इस फॉर्मूले में आप अलग अलग इसमें जो है टी की वैल्यू अलग अलग आप रख सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग आपको रिलेशनशिप मिल जाएंगे लाइक वी कैन टेक टी इज गर्ल टू डी बाई टू or we can take uh, t is equal to d by 4 or we can take t uh, is equal to d by 3 whatever uh, I hope so you can understand right. So, uh, this relationship is the general relationship so you have to remember that right. So, there is no uh, need to remember the formulas for t is equal to d by 2 or t is equal to d by 4 and so on. So, just uh, try to remember the generalized formula and then, according to your need, modify it. That is more convenient and more advisable thing from me. So, this is all about the effect of uh, dielectrics on the parallel plate capacitor.